अभिनय कैसा हो? अभिनय सेन गुप्ता जैसा। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। अभिनय सेन गुप्ता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। पानी बिजली की समस्या के साथ अवैध खनन पर राज्य में भाजपा ने राज्यव्यापी आंदोलन छेड़ा है। निरसा के चिरकुंडा शहीद चौक से चिरकुंडा नगर परिषद कार्यालय तक भाजपाइयों ने पदयात्रा निकाला। नगर परिषद कार्यालय पहुंचते ही यात्रा धरना में बदल गया। इस दौरान धनबाद सांसद पीएन सिंह और निरसा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता ने हजारों समर्थकों के साथ राज्य में चरमराती बिजली और पानी की समस्या को लेकर हल्ला बोल किया। भारी संख्या में महिला पुरुष भाजपा कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्ता लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मीडिया से बातचीत के दौरान सांसद पीएन सिंह ने कहा कि जब से राज्य में झामुमो की सरकार बनी है, बिजली कटौती समस्या गंभीर हो गई है। पानी के साथ अवैध खनन जोरों पर हो रही है। राज्य में हेमंत की सरकार पूरी तरह विफल है। अवैध कारोबार के साथ लूट, हत्या, बेतहाशा बढ़ गई है। कानून व्यवस्था चौपट है, जिसको लेकर पूरे राज्य में भाजपा द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अपना सलाहकार के नाम तो इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी पूरे राज्य में यह विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम रखी है। निश्चित रूप से ऐसी सरकार जो चुनावी वादा को जो सामान्य रूप से अब बिजली की समस्या आती है तो कहे कि बिजली नहीं दे रहा है। अगर आप दुकानदार के पास जाए और कहे कि यह अमुक सामान दो, कहे पैसा लो दो और सामान लो, लेकिन इनके पास सब व्यवस्था है। हमारी सरकार थी रघुवर सरकार, यहाँ नेशनल ग्रिड से इस राज्य में बिजली का संचालन की व्यवस्था नहीं थी, उस व्यवस्था को खड़ा कर दिया। अगर डीवीसी के पास बिजली की कमी है तो नेशनल ग्रिड से खरीद कर यहाँ के लोगों को बिजली या सरकार दे सकती है, लेकिन सरकार की नियत नहीं है कि हम, और नियत उनके काम ही अलग है। जनता का कैसे कष्ट दूर हो, इस काम की सोच हेमंत सरकार में निश्चित रूप से उसी के विरोध में यह विरोध प्रदर्शन है। चंदन कियारी विधायक अमर बावली ने कहा कि पूरे झारखंड प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हेमंत सरकार के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ का बिगुल फूका है। ये सरकार जन उपकारी, जन हितकारी और जन उपयोगी नहीं, बल्कि ये निज उपयोगी और निज हितकारी सरकार है। इस राज्य सरकार को उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। ये सरकार जितने दिन रहेगी, राज्य के संसाधनों का लूट करके जनता का खून चूस कर पी जाएगी। जनता निश्चित रूप से देख रही है। पूरे झारखंड प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान दीपक प्रकाश जी और अपने नेता विधायक दल श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में एक सरकार के खिलाफ और जन विरोधी नीतियाँ हैं, उसके खिलाफ हम लोगों ने आंदोलन का बिगुल फूंका है। और इसका कारण यह है कि जो सरकार है जन परोपकारी या जन उपयोगी या जन हितकारी सरकार नहीं है, निज हितकारी और निज उपयोगी सरकार है। और इसका बराबर से प्रमाण आपने देखा होगा 27 महीने के इस कार्यकाल में दिखा है, जहां लॉ एंड ऑर्डर का डिटेरेशन तो हुआ ही है। रघुवर दास जी की सरकार में 2019 से पहले हम लोगों ने जो संसाधन थे, उस संसाधन के माध्यम से भी 22 घंटे गर्मी में बिजली देना हम लोगों ने सुनिश्चित करा था। और हम लोगों ने पावर सब ग्रिड का निर्माण करा कर ये किया था कि भाई हम लोग नेशनल ग्रिड से जुड़ करके इसको 24 घंटे बिजली हम लोग उपलब्ध कराएंगे। लेकिन आज की स्थिति परिस्थिति यह है कि राज्य की सरकार पूरी तरह से लूट खसोट में, और कैसे अपने अपने परिवार को और अपने निजजनों को और अपने विधायकों को कैसे समृद्धशाली बनाए, और इसके लिए झारखंड के जितने भी खनिज संपदा है उसकी लूट की पूरी एक खाका और एक पूरी प्लानिंग के साथ ये लोग जो लगे हुए हैं। और आप इसका नतीजा देख रहे होंगे कि धनबाद सहित जो कोयला का लूट चल रहा है, लोग दब करके मर जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन में इतनी हिम्मत नहीं है, राज्य सरकार में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो एक्सेप्ट करे कि भी उनके अवैध खनन से वो लोग मर रहे हैं। ये राज्य सरकार पूरी तरह से इसको जो है उखाड़ करके फेंकने का समय आ गया है। ये राज्य सरकार जितनी दिन रहेगी इस झारखंड के राज्य के अंदर इन संसाधनों का लूट करके जनता का खून तक चूस करके पी जाएगी। आज गर्मी में जब लाइन कट रहे हैं, परीक्षाएं चल रही है तब लाइन कट रहे हैं, पानी नहीं पहुंच रहा है, तो यहाँ की जनता त्राहिमाम कर रही है। और जनता की आवाज बुलंद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर है। वो
वहीं निरसा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता ने कहा कि झारखंड में हेमंत सरकार के राज में घनी संपदा का लूट हो रहा है, ये राज्य की जनता देख रही है। घनी संपदा की लूट हो रही है, इस पर क्या हो रहा है राज्य की जनता देख रही है। बहुत बहुत